मॉर्निंग. सो आज है 9 अक्टूबर और आई डोंट नो कितने लोगों को याद है, बट आज अंकित का बर्थडे है और सुबह के बज चुके हैं 8. और मैं यार लेट हो गई. मैंने सोचा था कि सुबह जल्दी उठूंगी, अलार्म भी लगाया था, बट फिर भी लेट होगी. फिर अभी वीडियो भी एडिट करनी है. मैंने सोचा था 8 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगी, बट ये थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी मैं वीडियो अपलोड करने में. सो गाइज, सबसे पहले तो अंकित को हैप्पी 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 बर्थडे. और आप सब लोगों की तरफ से भी मैं ही अंकित को हैप्पी बर्थडे बोल देती हूँ. बाकी आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हैप्पी बर्थडे बोल देना. और साथ में आई थिंक आज हम लोग शाम को लाइव भी आएंगे, तो आप लोग लाइव भी विश कर देना अंकित को. सो गाइज, जो आज की वीडियो है ये अंकित के लिए बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल के जो कर्ता और धर्ता हैं वो अंकित ही है. क्योंकि ऑन कैमरा आपको मैं दिखाई देती हूँ ज़्यादा, बट जो आपकी वीडियो को शूट करता है, आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करवाता है, और सबसे बड़ी बात कि हर सिचुएशन में मुझे सपोर्ट करना, हमारे चैनल को सपोर्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है. तो इसके लिए अंकित के लिए एक छोटा सा थैंक यू बोलेंगे हम लोग आज की वीडियो में. और साथ में मैंने अंकित को इस बार बर्थडे पे कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी दिया है, तो वो भी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगी. तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में बने रहेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. अब नैशा किसका बच्चा है? मम्मा का बच्चा बोल. दुनिया के सबसे प्यारे और केयरिंग पापा को नायशा की तरफ से हैप्पी 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 बर्थडे एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. एंड बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं कि नायशा की मम्मी मेरे से ज़्यादा तो अंकित ही लगते हैं. सो नायशा की मम्मी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. और आगे वाली क्लिपिंग में कुछ नोट कीजिएगा आप लोग. एंड गाइज, आप लोगों को मैं एक और बात बताती हूँ कि अंकित लास्ट टाइम मेरा बर्थडे तो भूल गए थे, मतलब इनको याद ही नहीं था कि मेरा बर्थडे है. सो पहले मुझे भी लगा कि मैं भी अंकित का बर्थडे भूल जाऊंगी, पर मैं भूल नहीं पाई, मुझे याद था. और आप सभी लोग कमेंट करके अंकित को बोलना कि अगली बार से मेरा बर्थडे बिल्कुल ना भूलें, हमेशा याद रखें. और अब चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने अंकित को इस बार बर्थडे पे क्या सरप्राइज गिफ्ट दिया. काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए देखिए. सो गाइज, हेयर इट इज़. मैंने इस बार अंकित के बर्थडे पे उनका स्केच बनवाया है. अभी हार्ड कॉपी मेरे पास नहीं पहुंची है, जस्ट वीडियो ही पहुंची है, बट बहुत ही सुंदर स्केच बना है. मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे ये देख के. तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और साथ में मैं बताऊँगी आपको कि मैंने कहाँ से बनवाया स्केच, किससे बनवाया. तो आप लोग भी अगर कभी मन करे आपका किसी के लिए बनवाने का या ऑर्डर करने का, तो आप भी कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. सो गाइज, स्केच बनाते बनाते मैं आप लोगों को एक बात ये भी बता देती हूँ कि अंकित को जब मैंने बताया कि मैंने आपका ये स्केच बनवाया है, तो अंकित ने जब वीडियो देखी तो वो बोलते कि अच्छा, ये तूने कंप्यूटर से बनवाया. मतलब देखो यार, मतलब इस वीडियो को देख के भी कोई बोल रहा है कि ये तूने कंप्यूटर से बनवाई है वीडियो. बिकॉज अंकित बिल्कुल से सरप्राइज थे, उनके दिमाग में भी नहीं था कि मैं कुछ ऐसा करूंगी, बट बहुत ज्यादा खुश हुई. ऑब्वियसली उन्हें बहुत अच्छा लगा अपना स्केच. सो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये स्केच कहाँ से बनवाया है. ये स्केच मैंने स्केच आर्टिस्ट मिस्टर करतार सिंह से बनवाया है, जो बेसिकली झारखंड रांची में रहते हैं और वहीं से ये हार्ड कॉपी सेंड करते हैं. एंड बहुत ही ऑसम स्केच बनाते हैं यार, आप लोग जरूर चेक कीजिएगा. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी इनका इंस्टा का भी और साथ में यूट्यूब का भी, तो एक बार जरूर चेक. सो एट लास्ट, इस चैनल के हीरो एंड माय स्वीट हबी एंड नायशा के प्यारे प्यारे पापा को जन्मदिन की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं. और हाँ, अगली बार मेरा बर्थडे ना भूलेगा, ठीक है.